दोस्तों आपका जो शॉर्ट वीडियो है दो तरीके से वायरल होता है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। फर्स्ट जो आपका शॉर्ट वीडियो बूस्ट में चला जाता है या दूसरा जो है शॉर्ट फीड में चला जाता है, जिसके कारण जो आपके वीडियो पर लाखों में व्यूवर्स आता है और आपका शॉर्ट वीडियो वायरल हो जाता है। तो यही होता है कि आपके शॉर्ट वीडियो पर 10 से 12 व्यूवर्स आता है और रुक जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, अगर आप इस वीडियो को पूरा फुल देखते हैं तो आप ही अपने शॉर्ट वीडियो को जो है वायरल कर सकते हैं, वो भी 100% गारंटी के साथ। बस आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अच्छा, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपका भी शॉर्ट वीडियो वायरल होगा, यह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वो भी 100%। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं प्यारा चैनल दास टेक्निकल नरकटिया। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, तो जैसे कि हम आपको साइड में दिखा दे रहे हैं कि आपका शॉर्ट वीडियो कैसे वायरल होगा, और वो भी लाइव प्रूफ के साथ हम डालकर भी बताएंगे। और अपना खुद का वीडियो जो है, मेरा एक चैनल है यूट्यूबर राजकुमार, जिसपे हम ऑनली शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप लोग भी उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग भी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए आपको हम लाइव प्रूफ शॉर्ट वीडियो डालकर और वायरल कर दिखाते हैं। ओ भाई, ये क्या है? तो सबसे पहले तो हम अपने YouTube को ओपन करेंगे और आप लोग भी अपने YouTube का ओपन कर लीजिए और जिस तरह हम बताते हैं उस तरह आप लोग भी कीजिए, जिससे क्या होगा, आपको अनुभव हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपका वीडियो जो है वायरल भी होगा। तो सबसे पहले हम अपना YouTube खोल लिए हैं। YouTube खोलने के बाद जो हम सिंपली यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो हम लोग जो है यहीं पे गलती कर देते हैं। हम लोग जो क्या करते हैं, क्रिएट ए शॉर्ट पे क्लिक करके अपना शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देते हैं। लेकिन हम लोग को जो है यहाँ पे क्रिएट ए शॉर्ट पे अपलोड नहीं करना है। हम लोग जो क्या क्लिक करना है, अपलोड ए वीडियो पे क्लिक कर लेना है। अपलोड ए वीडियो पे क्लिक करने के बाद हमें जो है अपने गैलरी से जो भी वीडियो अपलोड करना है उसे ले लेना है। जैसे कि हम अपना वीडियो एक ले ले रहे हैं, और वीडियो लेने के बाद जो है हम लोग सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से हम यहाँ पे कोना में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद जो है हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। और बहुत सारे भाई जो हमारे यहीं पे भी गलती कर देते हैं और यहाँ पे उन लोग जो है कुछ नहीं करते हैं, सिंपली अपना वीडियो अपलोड कर देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे जो है अपना टाइटल लिखना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो वीडियो है शॉर्ट फीड में जाता है। हम लोग जो भी मेरे वीडियो के अनुसार टाइटल होगा उसे हम लोग लिख लेंगे। तो मेरे वीडियो का टाइटल है कमेंट में जय श्री राम बोल दीजिए। जैसे हम अपना टाइटल लिख ले रहे हैं, आप भी अपना टाइटल को लिख लीजिएगा। जैसे कि हमने अपना वीडियो का टाइटल लिख लिया, वीडियो का टाइटल लिखने के बाद जो हम अपने टाइटल को सीधे कॉपी करेंगे, तो कॉपी कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है अपने टाइटल को कॉपी कर लिए। यहाँ पे कॉपी करने के बाद जो है हम लोग सिंपली यहाँ पे अपने वीडियो को प्राइवेट पे अपलोड करेंगे। और बात आता है लोकेशन का, तो लोकेशन पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। और उसके बाद आता है सेलेक्ट ऑडियंस, तो सेलेक्ट ऑडियंस पे हम लोग क्लिक करेंगे। सेलेक्ट ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलता है कि आपका ये जो वीडियो है 18 साल के बच्चों के लिए है या इससे अधिक उम्र वालों के लिए है। तो ये जो मेरा वीडियो है 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए है। सिंपली हमें यहाँ पे नॉट इज फॉर काइड्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो हम क्लिक करने के बाद सिंपली हम फिर यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद जो है हम यहाँ पे अपलोड ए शॉर्ट पे क्लिक करेंगे। अपलोड ए शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा जो ये वीडियो है अपलोड यूट्यूब पे होने लगा है। अब चलते हैं सिंपली हम अपने YT स्टूडियो में। सिंपली हम अपने YT स्टूडियो को ओपन करने के बाद अपने वीडियो को ओपन कर लिए हैं। वीडियो ओपन करने के बाद जो हम यहाँ पे सिंपली पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद हमने जो ये अपना टाइटल कॉपी किया था उसे हम लोग अपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। जैसे कि हम आपको साइन लगाकर बता रहे हैं वैसे आप लोग कीजिएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो कॉपी किए थे टाइटल उसी को आपको 10 से 12 बार पेस्ट करना है। जैसे कि हम आपको पेस्ट कर रहे हैं आपके सामने लाइव प्रूफ, जिस तरह हम आपको बता रहे हैं अगर आप अपने वीडियो में उस तरह करते हैं तो आपका वीडियो वायरल होगा, यह मैं गारंटी देता हूँ। आपको 10 से 12 बार पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद जो है सिंपली आप लोग यहाँ से बैक आ जाइएगा। बैक आने के बाद आप फिर से अपने वीडियो के टैग में चले जाइएगा। वीडियो में टैग जाने के बाद आप अपने वीडियो से रिलेटेड टैग डालिएगा। चलिए मैं अपना वीडियो से रिलेटेड टैग डाल लेते हैं। जैसे कि आपके सामने जो है हम अपने वीडियो में जो है टैग डाल लिए हैं। टैग डालने के बाद जो है हम यहाँ पे सिंपली बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आपको फिर से प्राइवेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्राइवेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप अपने वीडियो को डायरेक्ट पब्लिक मत कीजिएगा। जैसे कि मेरा समय हो रहा है 10:18 PM, हम इस वीडियो को जो है 10:30 में अपलोड करेंगे। आपका जो वीडियो है एक निश्चित समय पे जो यूट्यूब पे अपलोड होता है, हम लोग सिंपली यहाँ पे सेट ए इंटरनल प्राइम पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद क्लिक करने के बाद शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। शेड्यूल पर क्लिक करने के बाद हम एक अपना टाइम सेट कर लेना है, जैसे कि आज 27 तारीख है और समय हमें 10:30 PM पे अपलोड करना है, तो हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे ओके पर क्लिक कर लेंगे और ये जो मेरा वीडियो है आज रात 10:30 PM पर जो है यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। हमें यहाँ पर सिंपली फिर से बैक आ जाना है। यहाँ पे बस लास्ट स्टेप यही होता है कि हम अपने वीडियो को सेव कर लें। सेव करने के लिए यहाँ पे हम सिंपली सेव वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद ये जो वीडियो है आपका 10:30 PM पे जो है आप सभी के बीच चला जाएगा। तो जैसे कि आप सबके बीच लाइव प्रूफ देख सकते हैं, मेरा जो वीडियो है वो भी 1 घंटा के अंदर में 1000 व्यूअर्स क्रॉस कर चुका है, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। अगर आप लोग भी इसी तरह अपने वीडियो में करते हैं तो आपका भी वीडियो वायरल होगा, जैसे कि हमने आपको लाइव प्रूफ वीडियो वायरल करके दिखाया है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी अनुभव हुआ होगा या आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा तो आप हमारे इस प्यारे चैनल दास टेक्निकल नरकटिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।